आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक दिलारी के गांव काकरखेड़ा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 45 किलोमीटर और ब्लॉक से 20 किलोमीटर है। इस गांव के प्रधान शमशीर जहां हैं, गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक किसी भी प्रधान ने इनसे ज्यादा विकास नहीं कराया है। अभी भी गांव में कुछ समस्याएं बाकी हैं। आइए जानते हैं प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक दिलारी के काकरखेड़ा गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहां पर प्रधान आपकी पत्नी है, 4 साल उनके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं लगभग। क्या क्या विकास कार्य अब तक गाँव में करवा दिए? विकास कार्य क्या करते हैं, आवास बनवाए हैं। कितने आवास बनवाए हैं? 13 आवास बनवाए हैं, 3 लोही आवास बनवाए हैं, 10 क्या कहते हैं इंदिरा आवास बनवाए हैं। हाँ, और जी गांव में विकास कराए हैं। ODF हो गई ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत ODF हो गई। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई है? सोलर लाइट भी लगवाई है, स्ट्रीट लाइट भी लगवाई है। सीसी कार्य कितना करवा दिया? सीसी कार्य नहीं कराया हमने, सब टाइल्स कराया। टाइल्स कराया, सीसी टाइल्स जो आपने, हाँ सीसी टाइल्स, वो भी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इनका लाभ गांव में मिला है सभी? हाँ, मिला है। उज्ज्वला कनेक्शन भी हमारे यहाँ कम से कम 500 लोगों को मिले हैं जी। और किसानों के खातों में सम्मान निधि का पैसा आ रहा है? इसमें कुछ खातों में पैसे आ गए हैं, कुछ में अभी नहीं आए हैं। कुछ आपकी कोशिश जारी है लोगों को दिलवाने की जी। स्कूल पर क्या कार्य करवाए? स्कूल पर मैंने क्या कहते हैं टाइल्स लगवाई है, और जी क्या कहते हैं उसमें अंदर किचन में क्या कहते हैं टाइल्स लगवा दी, काफी सुंदरीकरण आपने स्कूल में करवाया, शौचालय में लगवा दी, टंकी टंकी फिटिंग करा दी जी जी जी। स्कूल में कोई जलभराव की समस्या या कोई गंदगी वगैरह तो नहीं नजर आती जी? कोई कार्य नहीं। यहाँ पर 100 नंबर, 102 नंबर की सुविधा समय पर मिल जाती है? हाँ, समय पर मिल जाती है। आपके गांव में सफाई की व्यवस्था कैसी है? सफाई की व्यवस्था एक सफाई कर्मचारी है, वो नियम से डेली आता है जी। सफाई जितनी क्या करते हैं टाइम से आता है, टाइम से जाता है। स्कूल के अलावा गांव में बारात घर है? बारात घर नहीं है। पंचायत घर? पंचायत घर भी नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र? आंगनवाड़ी केंद्र 3 है जी। खेल का मैदान है? खेल का मैदान भी नहीं है। अस्पताल? अस्पताल नहीं है। शमशान घाट, कब्रिस्तान? कब्रिस्तान है, शमशान घाट नहीं है। बाउंड्री वॉल वगैरह सब रखी है? हाँ, कब्रिस्तान। क्या हिंदू समाज नहीं है गांव? हिंदू समाज है। तो शमशान घाट के लिए उन्हें कितनी दूर तक जाना पड़ता है? उन्हें करीबन गांव से 100-200-250 कदम दूर जाना पड़ता है, करीबन आधा किलोमीटर दूर। लेकिन वो बना हुआ नहीं है? बना हुआ नहीं है, जंगल में है, खादर में। अच्छा अच्छा, नदी? कोई नदी के पास में है, नदी के पास में जी जी। तो अस्पताल यहाँ से कितनी दूरी पर पड़ता है, मतलब मरीजों को कितनी दूर यहाँ से दवाई? यहाँ से हमें मरीजों के लिए या तो दिलारी जाना पड़ता है 10 किलोमीटर दूर जी, या ठाकुर द्वारा 15 किलोमीटर दूर। दिलारी ब्लॉक बताया वो 30 किलोमीटर की दूरी पर? नहीं, मुरादाबाद से दिलारी का नाम वहाँ से बताया ना, दिलारी में मुरादाबाद। अच्छा, 10 किलोमीटर आपका ब्लॉक यहाँ से दूर पड़ता है? 10 किलोमीटर। तो आपने कभी कोशिश की यहाँ अपने ग्राम पंचायत में अस्पताल को लेकर के निर्माण करवाएंगे? हमने किसी का नाम डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई जी, तो यह ग्राम समाज ना होने की वजह से अस्पताल नहीं बन पाया। तो ग्राम समाज ना होने की वजह से ही पंचायत भवन और बारात घर वगैरह ये सब भी आपके गांव में इसीलिए नहीं बने? इसीलिए नहीं बन पाए हैं, ग्राम समाज की ना वजह होने से जी। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? सरकार से मांग रखने के लिए हमारे यहाँ कुछ क्या कहते हैं जो गरीब लोग हैं उन्हें अभी तक लोही आवास भी नहीं मिले। कितने परिवार ऐसे होंगे जिन्हें आवास की जरूरत है? करीबन 20-25 परिवार हैं ऐसे जिन्हें क्या कहते हैं नहीं मिले, क्यों उन्हें मिले इसलिए नहीं है कि सन 2011 की सूची में उनके नाम नहीं थे जी। अब हमने उनके नाम दे दिए हैं, आगे उम्मीद है, आगे उम्मीद है कि उन्हें मिल जाएंगे जी। इसके क्या कच्चा रास्ता अभी गांव में बाकी है? नहीं, कच्चा रास्ता कोई गांव में बाकी नहीं है, 1-2 हैं, उन्हें हम क्या करते हैं अपने कार्यकाल में पूरा कर देंगे। इसके अलावा सरकार से क्या मांग आप अपने गांव के लिए रखना चाहेंगे? कोई समस्या ऐसी आप गांव में महसूस करते हैं जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार ध्यान दे? सरकार से हम एक ही समस्या रखना चाहते हैं कि यहाँ अस्पताल अगर कोई बन जा जी तो ज़्यादा बेहतर होगा जी, अस्पताल, बड़ा अस्पताल जी। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से हम, ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है। काफी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, आवास भी यहाँ लोगों को मिले हैं, शौचालय से भी ये गाँव ODF हो चुका है। लेकिन अब भी कुछ मूलभूत समस्याएं यहाँ बाकी हैं जिनसे लोग यहाँ जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत घर, शमशान घाट का ना होना, जिसका कारण ग्राम समाज की भूमि इस गांव में नहीं है, इसलिए यहाँ इन चीज़ों का बनवाना या निर्मित कराना मुश्किल हो रहा है। और सबसे प्रमुख मांग यहाँ जो प्रधानमंत्री द्वारा बताया गया है, एक अस्पताल को लेकर है, क्योंकि अस्पताल यहाँ से काफ़ी
दूरी पर है, कई किलोमीटर दूर यहाँ मरीजों को दवाइयों के लिए जाना पड़ता है। इनकी मांग है कि सरकार यदि इन्हें मदद दे या सरकार की तरफ से यहाँ अस्पताल निर्मित करवाया जाए तो यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियत इससे मिलेगी। अशरफ अली के साथ मैं नाज़रीन की 24 से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इनू। जी इनू साहब, ये बताइए कि यहाँ 4 वर्ष हो गए हैं प्रधान के कार्यकाल को, क्या करना चाहोगे? बहुत बढ़िया कार्यकाल हुआ साहब हमारे। अच्छा, ये रास्ता जो बनाया है, ये रास्ता साहब क्या नाम है, बहुत मुद्दत से कच्चा गारा पड़ा था, इसमें जो है आपके प्रधान जी ने खरंजा लगा कर विकास करा, बढ़िया वाला, बढ़िया वाला विकास करा, बहुत बढ़िया वाला, जिले पे टॉप नंबर हमारे कांकर खड़े का, बहुत बढ़िया काम हुआ। कोई भी आप देख सकते हैं, सब खुश हैं, सब लोग कहीं भी देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया विकास है। हमारे प्रधान ने बहुत बढ़िया विकास करा, पूरे गांव के रास्ते, पूरे गांव के रास्ते पक्के कर दिए। जी क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह। ये बताइए यहाँ विकास को लेकर क्या करना चाहोगे? ठीक हुआ, रास्ते सही है। अच्छा, पिछले प्रधान से अपना कुछ थोड़ा आपका विकास ज्यादा हुआ, ज्यादा विकास हुआ, ये रास्ता जो बना है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? यहाँ पहले गा रहा था, किसी टैल से लगी, बढ़िया हो गया ना। अच्छा, कुछ नहीं था, मिट्टी के अलावा मिट्टी थी यहाँ पे लगा रहा था, मिट्टी।